हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मध्य प्रदेश के मंडला में सैलाब में बहकर आ रही लकड़ी को झपटने की होड़ लग गई। लोग अपनी जान को दांव पे लगाकर लकड़ी पकड़ने लगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में उफनते नाले को लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। पानी के बीच से बाइक निकालने की कोशिश में लगे हैं लोग। उत्तराखंड के जोशीमठ में पुल बह जाने के बाद लोग लकड़ी की तीन बल्लियों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में एक भयानक भूस्खलन हुआ, जिसमें गांव को जोड़ने वाले रास्ते काट दिए गए। इस भूस्खलन की चपेट में आने से एक महिला लापता है। धारचूला में मिट्टी पत्थरों का सैलाब करीब 5 किलोमीटर तक पहाड़ को चीरता हुआ निकला। भूस्खलन की वजह से इस पहाड़ी के करीब 5 किलोमीटर हिस्से पर भीषण कटाव हुआ है। अहमदाबाद में देर रात भारी बारिश हुई। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कें तालाब जैसी हो गई, जिससे गाड़ियों और लोगों की आवाजाही में दिक्कत आई। बुलंदशहर में गंगा में इतना तेज बहाव आया कि एक गोदाम नदी में समा गया। गोदाम में लाखों रुपए का बाढ़ राहत का सामान भी था। यूपी के कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बाराबंकी और बहराइच के गांवों पर संकट है। तेज बारिश से सरयू नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर में सर्कुलर रोड पर बनी पार्किंग का एक हिस्सा ढह गया और वहां खड़ी तीन कारें मलबे के साथ कई फीट नीचे खाई में गिर गईं। तेलंगाना के नारायणपेट में कृष्णा नदी में एक नाव पलट गई, जिससे 13 लोग पानी में डूब गए। इनमें से 9 लोगों को बचा लिया गया है। ओडिशा के मलकानगरी में बाढ़ में फंसे 35 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है और ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। बारिश से शिमला में कच्ची घट्टी में बारिश के बाद रोड धंस गई। कई घरों के गिरने की आशंका। देहरादून में तो बारिश के बाद एक अस्पताल में ही पानी भर गया। यहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण का खतरा बढ़ा है। गुजरात के सूरत में बारिश के बाद कई दिन पानी भरा रहा। नालों से पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज बारिश से नर्मदा नदी का लेवल बढ़ गया, जिससे कई मंदिर पानी में डूब गए। असम के लखीमपुर में सैगर नदी में अचानक पानी बढ़ने से आफत। नदी के किनारे कई घर बह गए। कई लोगों के बहने की आशंका। कर्नाटक के बेलगामी में तेज बारिश से गांव में बाढ़ आ गई। कई गांवों के खेतों में पानी घुस गया। फसलें बर्बाद। तेलंगाना में एक गर्भवती महिला को पुलिस वाले ट्रैक्टर में बैठाकर अस्पताल पहुंचा गए। सड़क पर पानी भर गया। देश में कोरोना मरीजों की तादाद 27 लाख के पार। कल एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए केसेज आए। देश में कोरोना की वजह से 51,000 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। देश में विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर फंसे आमिर खान। ट्विटर हैंडल पर जारी की तस्वीरें। जमकर हो रहा है विरोध। आमिर खान ने तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी एमिन एर्दगान से मुलाकात की तस्वीर अपने ट्विटर हैंडल के साथ शेयर की, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के लिए तुर्की में हैं। इस फिल्म के बड़े हिस्से को तुर्की में शूट किया जाएगा। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने आमिर खान को निशाने पर लिया। उन्होंने आमिर को कट्टरपंथी करार दिया। सुशांत केस का सच जानने के लिए अब सीबीआई को भी सुशांत का मोबाइल फोन चाहिए। सीबीआई चाहती है ये वजह पता लगाना कि सुशांत डिप्रेशन में क्यों थे। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की व्हाट्सएप चैट सामने आई। नए प्रोजेक्ट पर काम करने की बात हो रही है। बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। सुशांत केस की सीबीआई जांच की पैरवी करने के लिए आभार जताया। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिर गई। इमारत काफी दिनों से खाली थी, लेकिन बगल की बिल्डिंग का कुछ हिस्सा चपेट में आ गया। इसमें 16 लोग दब गए। बाद में सबको निकाल लिया गया। मुंबई के करीब बोईसर इलाके में केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल हो गए। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर सट्टेबाजों ने सरेआम कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। 2 दर्जन से ज्यादा बाइकर्स ने घोड़ों के साथ रेस लगाई। लोगों की जान को खतरा। नोएडा में आर्ट सोसाइटी के बिल्डर को धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया।
यूपी के मथुरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, दो शातिर बदमाश घायल, लूटी हुई चांदी और हथियार बरामद। फेसबुक को लेकर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे पर अब संसदीय समिति में भी संग्राम शुरू हो गया है। समिति के अध्यक्ष शशि थरूर इस मामले में फेसबुक से पूछताछ करना चाहते हैं। बीजेपी के सांसद और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने थरूर पर पलटवार किया, बीजेपी का आरोप है थरूर राहुल गांधी का एजेंडा चला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक निशिकांत दुबे समेत समिति में शामिल एनडीए के सभी सदस्य लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखकर थरूर की शिकायत करेंगे। फेसबुक विवाद में आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति फेसबुक अधिकारियों को समन भेजने की तैयारी कर रही है। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है। आंखी दास ने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। यूपी में अब ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में अब बीजेपी भी जुट गई है। विधायक देवमणि द्विवेदी ने ब्राह्मणों को लेकर अपनी ही सरकार से सवाल पूछ लिए। यूपी में बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कहा गरीब ब्राह्मणों का यूपी में बीमा कराएगी बीजेपी। विवाद के बाद कहा बयान गलत तरीके से पेश किया गया। टीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज को बीमा से पहले सरकार से सम्मान और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मार्केट के पास दीवार बनाने पर बवाल हो गया, स्थानीय दुकानदारों ने बन रही दीवार को तोड़ डाला। वीरभूम में शांति निकेतन की यूनिवर्सिटी ने मेला ग्राउंड के पास दीवार बनानी शुरू की जिससे लोग भड़के, पंडाल भी तोड़ डाले। नीतीश की पार्टी जेडीयू से निकाले गए बिहार के पूर्व मंत्री श्याम बेजक ने लालू की पार्टी आरजेडी ज्वाइन की, तेजस्वी ने स्वागत किया। श्याम बेजक जेडीयू में दलित वर्ग के नेता माने जाते थे, अब आरजेडी में वो आ गए हैं तो जेडीयू अब दलित नेता मांझी को अपने पाले में लाने में जुटी है। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, समर्थकों ने दूरी के नियम तोड़े। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, सीआरपीएफ के दो जवान, सेना का एक जवान और एक पुलिस अफसर शहीद। बारामूला में तीन आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढ कर मार गिराया, मरने वालों में एक लश्कर का टॉप आतंकी हैंडलर है। बिहार में लॉकडाउन 6 सितंबर तक बढ़ा, धार्मिक स्थल और मॉल्स बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल की नीट और इंजीनियरिंग की आईआईटी जेई परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार किया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 1.5 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद हुई, इसे पुलिस को नजरों से बचाकर तेलंगाना से लाया गया था। बनारस में कोरोना को दूर भगाने के नाम पर एक कार्ड बिक रहा है, दावा है कि गले में पहनने से कोरोना दूर भाग जाता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें कुछ युवा अपील कर रहे हैं कि मास्क गुलामी का प्रतीक है। अमेरिका के न्यूजर्सी में शास्त्रीय गायक पंडित जसराज को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के बुलंदशहर में किसानों का एसएसपी दफ्तर में प्रदर्शन, दफ्तर में चूल्हा लगा दिया, गन्ने का भुगतान न मिलने से परेशान। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं में अभी तक आग जो लगी थी वो बुझी नहीं है, एक बार फिर एक्सपर्ट्स की नई टीम बनाई गई। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर की आज घोषणा हो सकती है, आज दोपहर 1 बजे तक कंपनियां फाइनल बिड जमा करेंगी। टाइटल स्पॉन्सर बनने की रेस में टाटा जैसे बड़ी कंपनी शामिल है, इस दौड़ में आखिरी लैप में और दो भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर की बिड के लिए वीवो से मिल सकते हैं ज्यादा पैसे, बीसीसीआई सूत्र ने एबीपी न्यूज को बताया। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच दूसरा टेस्ट ड्रॉ, साउथहैम्पटन में लगातार हो रही बारिश ने खेल बिगाड़ा। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच भी शुक्रवार से साउथहैम्पटन में होगा। कोरोना पॉजिटिव हुए 6 भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में इस साल वर्चुअल कार्यक्रम होगा, कोरोना के चलते ऑनलाइन आयोजित किया गया है समारोह। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ओपनर स्मृति मंधना ने कहा एमएस धोनी से अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा मिली है। कोरोना संकट काल में आज से शुरू हो रही है पहली टी20 सीरीज, त्रिनिदाद में आज से खेली जाएगी कैरेबियाई प्रीमियर लीग।
प्रीमियर लीग में इस साल 23 दिनों तक खेल खेला जाएगा। इसके आगे वहां से कई खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए दुबई पहुंच जाएंगे। जानवी कपूर ने कहा है कि उन्होंने दिया था करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन में एक फिल्म के लिए ऑडिशन, लेकिन फिल्म नहीं मिली। अंकिता लोखंडे ने अपने पेट डॉग स्कॉच के साथ फोटो शेयर की। सुशांत और अंकिता ने एक साथ डॉग गोद लिया था। बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम का ट्रेलर सामने आया। काशीपुर के बाबा निराला के किरदार में हैं बॉबी। अमिताभ ने एक फैन को सोशल मीडिया पर चल रहे कॉन्टेस्ट पर बताया अपनी ही फिल्म का नाम। फैन ने लोगों से अमिताभ की तस्वीर शेयर कर फिल्म गेस करने को कहा था। एक्ट्रेस जैकलिन की पहल, लोगों को कुपोषण से बचाने के लिए फाउंडेशन से हाथ मिलाया। कंगना को डर है उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जाएगा। कहा वक्त कम है इसलिए ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूं।